और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको हम बता दें, गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। तो गुरुग्राम पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। कोर्ट से लॉरेंस को वारंट पर लाने की तैयारी की जा रही है। पटौदी के इस मामले में बिश्नोई का नाम आया था। पुलिस के सामने लॉरेंस के गुर्गों ने कबूल किया था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने कोर्ट में पत्र लिखकर प्रोडक्शन वारंट मांगा है। कोर्ट से लॉरेंस को वारंट पर मांग रही है गुरुग्राम पुलिस। तो पटौदी के इस मामले में बिश्नोई का जो नाम है वो सामने आया था। पुलिस के सामने लॉरेंस के गुर्गों ने ये कबूल किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ इस मामले में कर सकते हैं और इसीलिए वारंट पर लाने की मांग की जा रही है गुरुग्राम पुलिस की ओर से। और सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान के अलावा पंजाब में भी कई मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पुलिस ने कोर्ट में पत्र लिखकर वारंट मांगी है और अब ऐसे में गुरुग्राम लाने की तैयारी पूछताछ के लिए की जा रही है। यहां पर पटौदी के इस मामले में बिश्नोई का नाम सामने आया था। पुलिस के सामने लॉरेंस के गुर्गों ने कबूल किया था। तो गुरुग्राम पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है और इसके लिए गुरुग्राम पुलिस तैयार भी नजर आ रही है। गुरुग्राम में पिछले साल दो भाइयों की हत्या हुई थी और इसी मामले में ये पूछताछ को लेकर गुरुग्राम पुलिस की तैयारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, तो देखिए गुरुग्राम पुलिस ने लिखकर प्रोडक्शन वारंट की यहां पर मांग की है, लेकिन कब तक ये प्रोडक्शन वारंट मिल जाएगी? दीपिका, अभी गुड़गांव पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट की जो है मांग की है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है उसकी जो है एक दो सगे भाइयों की हत्या हुई थी पटौदी के खोड गांव में, जहां पर ये शराब व्यापारी थे और उसमें लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता पाई गई है, ऐसा गुरुग्राम पुलिस का कहना है। क्योंकि इस मामले में लगभग एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, तो उसके बाद आरोपियों से ये ज्ञात हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई का भी इस पूरे मामले में हाथ था। हालांकि इससे पहले भी गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की प्रोडक्शन वारंट रिमांड जो है मांगी थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाले की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को जो है अलग अलग पुलिस जो है ले जा रही थी, उसके चलते जो है गुरुग्राम पुलिस को प्रोडक्शन वारंट नहीं मिल पाया था। तो ऐसे में अब फिर दोबारा से प्रोडक्शन वारंट की जो तैयारी है वो गुरुग्राम पुलिस ने की है और अब जल्द ही कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को द्वारा से प्रोडक्शन वारंट की मांग की जाएगी कि जो पटौदी के खोड गांव में दो सगे भाइयों की जो हत्या की गई थी ये शराब व्यापारी थे और इस मामले में जो है लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ बताया जा रहा है, ऐसा गुरुग्राम पुलिस का कहना था। तो इसी मामले में हालांकि बेशक गुरुग्राम पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन जिस तरह से नाम जो है अब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं और भी मामलों के खुलासे हो सकते हैं गुरुग्राम पुलिस के पास, इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट की तैयारी जो है की है। बिल्कुल, देखिए गुलशन, कई मामलों में लॉरेंस का जो नाम है वो संलिप्त रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये है क्योंकि जो लॉरेंस पर मामले हैं, जो सुनवाई है, वो अलग अलग राज्यों में भी लगातार होती रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को अपनी पूछताछ के लिए या किसी एक मामले की पूछताछ के लिए काफी मेहनत यहां पर करनी पड़ती है। बिल्कुल दीपिका, आपने ठीक कहा कि क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी लॉरेंस बिश्नोई के मामले जो है चल रहे हैं और एक कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई जाना जाता है, और अब जिस तरह गुरुग्राम पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट की जो मांग की है उससे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जब गुड़गांव पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी, जब उसे रिमांड पर लेगी, जब पूछताछ करेगी। तो जो गुड़गांव में हम देखते हैं कि आए दिन जिस तरह से लूटपाट होती है, हत्याएं होती हैं, तो क्या उन मामलों में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ रहा है या नहीं रहा है, पीछे की भी काफी कुंडलियां जो है गुड़गांव पुलिस खंगालेगी।
लेकिन सबसे पहले इस मामले में पूछताछ करेगी, जिस मामले में जो दो सगे भाई जो शराब व्यापारी थे जब उनकी हत्या हुई थी तो उस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम लिया गया है उन आरोपियों की तरफ से जिनको गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो ऐसे में किस वजह से जो है उन शराब व्यापारियों को मौत के घाट उतारा गया था, क्योंकि पुरानी रंजिश थी, क्या उसका जो व्यापार था वो छीनना था, इन सभी बातों का जो खुलासा है वो गुरुग्राम पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यही है कि लॉरेंस बिश्नोई को अब गुरुग्राम पुलिस प्रोटेक्शन वारंट लाने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल गुलशन, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।